देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे प्राची मैडम, हैप्पी दिवाली। दिवाली है, पटाखे वटाखे जलाओ। ये खुद क्यों जल रही हो? जलन हो रही है ना। तुम जेलस हो ना? जेलस? प्राची जल गई, प्राची जल गई, प्राची जल क्यों रही हो? क्या हुआ? क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? मैं तो बच्चों जैसी हरकत करी ना, मैं तो बच्चों की तरह एंजॉय कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम ये अनार की तरह जलती हो ना, तो आई लव इट। क्यों एंजॉय करे? क्यों मतलब तुम्हें फर्क क्या पड़ रहा है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये कुछ कुछ है, तुम नहीं समझोगी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ये क्या है? ये तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं कुछ भी बोलूँ, यू तो डोंट केयर। और वैसे भी ना, अभी मेरा जवाब देने का मूड नहीं है, मैं जरा दिवाली मना के आता हूँ। सिया, अगर रणबीर इसने तुझे 3 सेकंड के अंदर रोक लिया ना, तो इसका मतलब ये तुझे कहीं जाने देना चाहती नहीं। अगर नहीं रोका तो कोई नहीं, मैं रोक लूंगा। मेरे पास कहाँ ईगो है, मेरे पास तो बहुत सारा प्यार है। अब प्यार किया तो ईगो कैसा? ओके, टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक टू एंड हाफ, टिक टिक थ्री। प्राची, प्राची क्या कर रही हो यहाँ सब? है मेरा दिमाग वैसे बहुत खराब होता है, तुम और खराब मत करो। मुझे बहुत गुस्सा आता है आजकल, हर वक्त हर मिनट हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, मैं समझ गया। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम किस मिनट पे बात करो जिस मिनट पे तुम गुस्सा नहीं आता? मुझे आजकल कभी भी गुस्सा आता है, एनी टाइम एनी वेयर। तो मैं ना एक डायरी लेके आता हूँ, उसमें तुम मुझे बताओ तुम्हें गुस्सा कब नहीं आता, मैं तब बात कर लूंगा, एज सिंपल एज दैट। तुम मुझसे बात ही मत करो, प्रॉब्लम्स ये मत करो। जब मैं तुमसे लड़ रही हूँ ना, ये स्माइल मत करो। मैं क्या करूँ, तुम्हें इतनी प्यारी लग रही हो लड़ते हुए, ऐसा लग रहा है कि इतनी क्यूट हो गई, बच्ची हो गई एकदम। अच्छा तुम ऐसे मुझसे लड़ती रहो, ऐसे झगड़ा करती रहो, ऐसे प्यार करती हो, अमित प्यारी लगती रहो। ऐसी बातें मत करो। ऐसी बात ना करो मतलब? जब मैं लड़ रही हूँ ना, ये स्माइल मत करो और ऐसी अच्छी अच्छी बातें मत करो, मुझे गुस्सा आता है। करनी पड़ेगी ना, तुम इतना ज्यादा लड़ रही हो, तुम लड़ती रहोगी और मैं भी लड़ता रहूंगा, तो दोनों लड़ते रहेंगे। इससे अच्छा एक इंसान लड़े और एक इंसान प्यार बांटे, ऐसा नहीं हो तो हमारा झगड़ा खत्म नहीं होगा। झगड़ा खत्म करना मैं चाहती नहीं, क्योंकि आई लव झगड़ा, आई लव गुस्सा। मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट आई लव यू एंड आई लव लव। तुम गुस्सा करती रहो लेकिन मैं प्यार करता रहूंगा, देखते कौन जीता है, तुम्हारा गुस्सा या मेरी प्यारी बातें। प्यारी बातों से याद है तुम्हें हमारी वो दिवाली याद है? पहली दिवाली जो मैं साथ में मनाई थी याद है? हैप्पी दिवाली। नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं। नहीं? तो तुम्हें वो टाइम याद है जब मैं तुम्हारे पास आया था और मैंने कपल देखा था जो शादी कर रहे थे, और वहां पे मैंने हम दोनों को इमेजिन किया था। प्यार वाली, कपल वाली, शादी वाली बकवास बातें मुझसे मत करो। ठीक है, नहीं करता बकवास बातें, तो मैं बहुत ही जेन्युइन बातें करता हूँ। तुम्हें वो, अरे तुमसे बात करता भूल गया, नेहा का है, नेहा को देखा? नेहा? नहीं देखा नेहा को मैंने, नहीं देखा, तुमने नहीं देखा, कोई नहीं देखेगा, तुम नहीं देखोगे, दुनिया को कोई इंसान नेहा को नहीं देखेगा, क्योंकि नेहा की बातें सुन के मुझे गुस्सा आता है। तुम जानते हो ना कि मुझे गुस्सा आता है, इसलिए जानबूझ के परेशान करती हो ना मुझे। तुम परेशान हो रही हो ना? अरे तुम परेशान हो रही हो ना? देखो सच बोलना, क्योंकि सच बोलने से कभी आज तक किसी का नुकसान हुआ नहीं है, सो बी ऑनेस्ट। में फायदा भी नहीं हुआ, मतलब तुम सच बोलना चाहती हो पर तुम्हारे अंदर दबा रही हो तुम उसको, राइट? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये क्या लगा हुआ है? क्या? रुको दिखाओ, मैं साफ करता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? अरे हटाने दो, लोग क्या सोचेंगे? मैं नहीं करूंगा, कौन करेगा? रिया,
गाड़ी रुक नहीं रही है तो प्लीज स्लो तो करो यार। अरे तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? नहीं रोक सकता मैं गाड़ी को। तुम नहीं रोकोगे तो कौन रोकेगा? ऊपर वाले से प्रे करो कुछ कुछ भी चमत्कार हो जाए, गाड़ी रुक जाए किसी तरह। ओह गॉड प्लीज बचा लो, बेल्ट लगाओ, कुछ कुछ पकड़ लो, क्रैश होने वाला है। ना? हाँ साना हम लोग जिंदा है। मैं ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहूंगा, मैंने अपनी मॉम की गांठ ठोक दी, वो मुझे मार डालेंगी। अरे शुक्र कर हम सब सेफ है यार। आर्यन तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम जाके अपनी मॉम को खुद से बता दो, डांट का तो पता नहीं है पर हाँ जान जरूर बच जाएगी। हाँ ये सही है, शेर के मुंह में खुद हाथ दे देता हूँ, है ना? अबे शी इज राइट, खुद बताएगा तो नुकसान कम होगा। पक्का? मुझे जो करना है ना प्लीज फॉर गॉड्स सेक मुझे वो करने दीजिए प्लीज। करेक्ट टाइम का वेट नहीं करूंगी, मुझे जो करेक्ट लगेगा ना मैं वही करूंगी। प्राची को जल के मरना होगा, वो प्राची वहां वहां मेरे रणबीर के साथ रोमांस कर रही है जबकि उसे सेठ के साथ शादी करनी चाहिए थी। गॉड डैम इट, अब मैं उसकी बेशर्मी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरे रणबीर के साथ या जस्ट काम डाउन एंड लिसन टू मी। काम डाउन काम डाउन काम डाउन, हाउ द हेल शुड आई काम डाउन काम डाउन काम डाउन? गॉड डैम इट ऑलवेज काम डाउन। नहीं काम डाउन हो सकती और क्या क्या सुनाएंगी आप जब आपको कुछ पता ही नहीं है। यू नो व्हाट, मेरे पास पूरा चांस है कि मैं प्राची को रणबीर की लाइफ से उसके दिल से इस दुनिया से ही गायब कर दूं ऐसे। तो क्यों वेट करूं मैं? हाँ इस चीज का वेट करूं, क्या फर्क पड़ता है कि वो आप मरे या आधे घंटे बाद? जब उसे मरना ही है तो फिर अभी क्यों नहीं? एक बार उसके दुपट्टे में आग लगे और आग प्राची के दुपट्टे में नहीं तुम्हारे दुपट्टे में लगने वाली है और फिर ब्लास्ट प्राची नहीं तुम होती। बारूद वाला दुपट्टा तुमने पहन रखा है, प्राची ने नहीं। नो नो, यस, इस दुपट्टे में बारूद की पाइपिंग लगी हुई है। अब तुम्हें समझ में आया कि तब से मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही थी? थोड़ी सी भी चिंगारी अगर तुम्हारे दुपट्टे पे लगती तो ब्लास्ट होके राख प्राची नहीं थी, नहीं तुम होती। Damn it. Thank God. Hello? ये thank God मुझे बचाने पे कह रही है या फोन आने पे? Mom, I'm really sorry, Mom. It's okay, Aryan. तुम ठीक तो हो? No, Mom, it's not okay. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप पूरी बात सुनेंगी ना तो you'll just kill me. Please आर्यन, मरने मारने की बात मत करो। मॉम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपकी गाड़ी चला रहा था, मुझसे एक्सीडेंट हो गया मॉम। गाड़ी की हालत इतनी खराब है कि उसे गैराज में जाना पड़ेगा मॉम। I'm really sorry mom. I don't know what happened. It's okay आर्यन, मुझे कार की परवाह नहीं है, तुम बस घर वापस आ जाओ, तुम ठीक हो ना? That's enough for me. हाँ मैं ठीक हूँ। और सिड, सिड भी तुम्हारे साथ था, वो ठीक है? मॉम आपको कैसे पता कि सिड मेरे साथ है? आपने हमें जाते हुए देखा था क्या? हाँ देखा था ना, देखा था तुम्हारे साथ। नहीं सिड ठीक है मॉम, और शाना भी ठीक है, हम सब साथ में ही थे, हम बस घर आ रहे हैं। तुम बस घर वापस आ जाओ, आई डू नॉट केयर अबाउट देम, वो घर वापस आए या ना आए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम। ओके जी मॉम, एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ यार?
छोटी छोटी बातों में मेरी मॉम इतना डांटती थी, मैंने इतना बड़ा एक्सीडेंट किया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। That's a little strange. डांट तो पड़ी होगी तुम्हें, पक्का पड़ी होगी, पर तुम हमें बता नहीं रहे हो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं डांटा यार, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने मुझे। कमाल है, मतलब जैसी तुम्हारी मॉम है, मतलब वो अगर कुछ ना बोले। शाना प्लीज, देखो आज नहीं, मेरी मॉम ने मुझे इतना सपोर्ट किया यार, इतने अच्छे से बात की मुझसे, मैं उनके खिलाफ आज कुछ नहीं सुनूंगा प्लीज। मैं उनके बारे में अच्छा क्यों बोलूं, उन्होंने मुझसे थोड़ी अच्छे से बात की है। व्हाटएवर इट इज, आज वो मेरे लिए दुनिया की बेस्ट मॉम है और मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। पूजी, आपको मुझसे ज्यादा उस कार एक्सीडेंट की फिक्र हो रही है। मैं इस दुपट्टे की वजह से ब्लास्ट हो जाती। रिलैक्स रिया। व्हाट रिलैक्स पूजी, मैं अभी अभी मौत के मुंह से निकल के आ रही हूँ और आप ऐसे बात कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना। एग्जैक्टली कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हो तो सकता था ना। हुआ तो नहीं ना रिया, वी आर सेफ एंड यू आर सेफ। हाँ, ये क्या कर रही है? रिलैक्स, जब तक ये दुपट्टा आपके कांटेक्ट में नहीं आता ना, ये दुपट्टा जलेगा नहीं। I just can't believe this. मैं वहां उस प्राची को जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बूजी मैं खुद को जला रही थी। मैं उसे नहीं, मैं खुद को मौत के मुंह में ढकेल रही थी। अब भूल जाओ जो हुआ और रोती मत रहो कि मैं मरने वाली थी। हमारा प्लान अभी तक खत्म नहीं हुआ है, फिर से एक नया प्लान बनाना होगा। ये बारूद वाला दुपट्टा फिर से प्राची को पहनाना होगा और उससे तुम्हारा दुपट्टा लेना होगा। लेकिन अब प्राची को ये दुपट्टा कैसे देंगे? पता नहीं, उसके लिए अब एक नया प्लान बनाना होगा। But you know what, बुजी? Thank God, भगवान ने प्राची को मेरी बहन तो बनाया, लेकिन उसे मेरे जैसा नहीं बनाया। उसे एक इमोशनल फूल बनाया है। अगर वो इमोशनल नहीं होती ना, तो वो मुझे नहीं बचाती। थैंक गुडनेस। चलो अब यहां से, यहां खड़े खड़े रहकर ना दिमाग में कोई प्लान नहीं आएगा। यू हैव टू थिंक समथिंग एल्स। क्या तुम्हारा दिमाग सही है? अभी जगह पर है क्या? तुम अपना दिमाग जो है किसी डब्बे में बंद करके आई हो या किसी फिक्स डिपॉजिट में तुम अपना दिमाग डाला हुआ है जहां से इंटरेस्ट नहीं आता है? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं जो कहना चाहता हूँ तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। बोलो। तुम क्या वेट कर रही हो? जब तुम्हारे हाथ में बच्चा आएगा, तुम उसको खिलाओगी, तब तुम रियलाइज करोगी तुम माँ बनने वाली हो। यू आर प्रेग्नेंट, अपना ख्याल रखा करो। तुम भाग रही थी, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं है? मैं कुछ मत बोलो, जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग बात करें तो तुम्हें जीतना ही है। अगर तुम गलत हो तो मान सकती हो कि तुम गलत हो, तुम समझोगी? तुम पूरी सेंटेंस बोलोगे तो समझूंगी ना। देखो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारी थोड़ी सी भी हालत खराब होती है ना, तो बीमार मुझे महसूस होता है। तुम थोड़ी सी खरोच आ जाती है ना, तो दर्द मुझे होता है। मेरा तो चलो जो भी है, लेकिन इस बच्चे को अगर कुछ भी खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को कुछ भी हो जाए ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। I don't know मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं है कि ये सब जो हो भी रहा है सही है या गलत है। I don't know. बस मैं गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, स्पेशली तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है तुम जैसे मेरा ख्याल रखते हो कोई नहीं रखता, तुम जैसे मेरे लिए फील करते हो कोई नहीं करता, तुम जिस नजर से मुझे देखते हो मुझे तेरे वरगा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यार अबे उसे बुला के तू एक बारी गले लग जाने देना। पल्लवी जी, अरे दुपट्टा क्यों नहीं पहन रही हो तुम? दुपट्टा पहनो जी। पूजी, ओढ़ो इसे। तुम क्या कर रही हो? मुझे दुपट्टे के बारे में बता के भूल गई। कितनी बार भूलना पड़ेगा?
कि जब तक ये दुपट्टा आग के पास नहीं जाएगा कुछ नहीं होगा तुम्हें। दुपट्टा पहनो, यहाँ वहाँ बिना दुपट्टे के नहीं घूम सकती हो तुम। किंतु जी क्या इतनी देर से तुमने ये दुपट्टा पहना हुआ था, कुछ हुआ आगे भी कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो डरो मत, पहनो इसे। राजेश है, अकेली है, लेट्स गो। क्या लेट्स गो? क्या करेंगे उसके सामने जाके? गरबा खेलेंगे? दुपट्टा पहनाएंगे उसे। हॉट तूजी, उसे दुपट्टा पहनाना है, टोपी नहीं पहनानी, जिसमें आप माहिर। मेरा मतलब है उसके सामने जाके क्या कहेंगे कि एक्चुअली प्राची, यू नो, तुम्हारा और रिया का दुपट्टा एक्सचेंज हो गया है, तो तुम अपना दुपट्टा रिया को दे दो और रिया का दुपट्टा तुम पहन लो, क्योंकि रिया का दुपट्टा अनसेफ है और तुम्हारा दुपट्टा सेफ है। पूछिए क्या बात कर रही हैं आप? ये जो आदत है ना तुम्हारी बीच में बोलने की, इसलिए हमारे सारे प्लान बीच में रुक जाते हैं। मुझे पता है कि मुझे प्राची से क्या कहना है, तुम बस साथ में चलो। ऐसे मत देखो, मैंने तुम्हें बचाया था ना, देन ट्रस्ट मी। अच्छा ठीक है, मुझे बता तो दीजिए क्या करने वाले हैं, मुझे पता होगा तो काम आसान हो जाएगा। हम प्राची के पास जाएंगे और गलती से उसके दुपट्टे के ऊपर खाने की चीज गिरा देंगे। कहेंगे कि दुपट्टा वॉश कर लो वरना खराब हो जाएगा। वो दुपट्टा वॉश करने जाएगी और उसके पीछे पीछे मैं जाऊंगी। कहूंगी कि रिया ने भी अपने दुपट्टे पे खाने की चीज गिरा दी, मैं उसे वॉश कर रही हूँ, वॉशिंग में दुपट्टे एक्सचेंज कर लूंगी। ग्रेट, लेट्स डू इट। ये मुझे देख के स्माइल क्यों कर रही, चक्कर क्या है? मैं तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे आसपास हमेशा रहूंगा ताकि तुम्हें ऐसे बचा सकूं। तुम मुझे अपना चिराग बना लो, मैं तुम्हारा जिन बन जाऊंगा, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें सब ला के दूंगा। और मैं कभी भी तुमसे तुमसे अलग नहीं हूंगा, नहीं हूंगा, दूर नहीं जाने दूंगा तुमको। रणबीर से कहो मुझसे आकर मेरे कमरे में मिले। प्राची के बच्चे का डीएनए रणबीर से मैच नहीं करता। क्यों कर रहे हो उससे, क्यों झूठ बोल रहे हो? वो बच्चा मेरा है तो है, सिर्फ से शादी नहीं करनी। करनी पड़ेगी तुम्हें, हो गया। रणबीर सर, पल्लवी मैम आपको रूम में बुला रही है। ठीक है, मैं आता हूँ। आता हूँ नहीं, अभी जाओ, मम्मी बुला रही। अरे मैं चला जाऊंगा, तुम्हें क्या हो गया, जाऊंगा ना आराम से। अभी जाओ, मैं कह रही हूँ ना, जाओ। ओके। जो तुम कर रही हो ना, मत करो। क्या बोल रही हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है, इसीलिए कह रही हूँ मत करो। ऐसा कभी हुआ कि मैंने इन दोनों को अलग करने की कोशिश की हो?
और ये और क्लोज ना आए हो। और डैम इट, मैं कुछ करूं तो मरूं, कुछ ना करूं तो भी मरूं। रिलैक्स रिया, जस्ट काम डाउन। काम डाउन? आप मुझे सारे प्लान समझाते हो ना, तो ये भी समझा दीजिए कि मैं काम डाउन कैसे हूँ। आपने देखा ना अभी क्या हुआ? देखा मैंने, लेकिन तुम्हें अपने अलावा किसी और की प्रॉब्लम नजर आती है या नहीं? तुम्हें पता है कि मैं कौन से प्रॉब्लम से डील कर रही हूँ? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? सिड वाला प्लान फ्लॉप हो चुका है। आर्यन सिड के साथ था।